तो आज का टॉपिक क्या है, वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स। ओके, तो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर कौन रिलीज करता है? तो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो रिसेंटली द वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर हैज बीन रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिसेंटली रिलीज किया गया है। इसका मकसद क्या होता है? वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स का मकसद होता है क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को चेक करना, किसी भी कंट्रीज के, चाहे वो डेवलप हो या डेवलपिंग हो, उसके क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को चेक करना। और ये क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को चेक करने के बाद क्या किया जाता है, मतलब इसका पर्पस क्या है क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को चेक करने का, कि उस कंट्री का सोवरेन क्रेडिट रेटिंग डिसाइड करना, है ना। और सोवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, किसी भी कंट्री का सोवरेन क्रेडिट रेटिंग बताता है कि वो कंट्री कितना सेफ है इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना। जितना अच्छा सोवरेन क्रेडिट रेटिंग होगा उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां, वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर रिलीज हुआ है, ठीक है, वहां वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स कैसे हम कलेक्ट करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो एक डेटा सेट तैयार करते हैं जिसमें उस डेटा सेट को कैसे तैयार करते हैं, डिफरेंट कॉर्पोरेट्स, सिटीजन और एक्सपर्ट सर्विस से हम डेटा कलेक्ट करते हैं डेवलप और डेवलपिंग कंट्री से, और उसके आधार पे उस कंट्री का क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस डिसाइड करते हैं, है ना। और उस क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस के आधार पे उस कंट्री को सोवरेन रेटिंग दिया जाता है, है ना, जो कि वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस निकाला जाता है, वो उसको निकालने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ सेट ऑफ क्राइटेरिया हैं, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला सेट ऑफ क्राइटेरिया क्या है, गवर्नमेंट एफेक्टिवनेस, यानी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट कितनी इफेक्टिव है, यानी गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेकर आ रही है वो कितना इफेक्टिव है, है ना। जैसे पॉवर्टी से रिलेटेड या अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसी आ रहा है गवर्नमेंट का, वो कितना इफेक्टिव है, वो कितना आउटपुट दे रहा है। दूसरा जो हम देखेंगे वो देखेंगे रेगुलेटरी क्वालिटी। रेगुलेटरी क्वालिटी मतलब देखिए, गवर्नेंस अच्छा होने के लिए, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस अच्छा होने के लिए क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए। गवर्नमेंट रेगुलेटर की तरफ वर्क ना करे, गवर्नमेंट कैसे वर्क करे, एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करे, है ना। गवर्नमेंट क्या करे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर दे, मतलब हस्तक्षेप ज्यादा ना हो। तो ज्यादा अच्छा गवर्नेंस क्या कौन सा होता है, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम होता है, यानी रेगुलेटरी क्वालिटी अच्छी होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें इंटरफेयर नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है। तो दूसरा क्राइटेरिया है रेगुलेटरी क्वालिटी, है ना। तीसरा क्या है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ एवरी बॉडी इज बिलो द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, है ना। और कंट्री में कोई भी एक्टिविटी होगा किसके अनुसार होगा, लॉ के अनुसार होगा, है ना। लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी लॉ से ऊपर नहीं है, गवर्नमेंट भी क्या करेगी, लॉ के अनुसार ही चलेगी। उसी को कहते हैं रूल ऑफ लॉ, यानी हर डिसीजन लॉ के हिसाब से लिया जाएगा, नो वन इज अबव द लॉ, एवरीवन इज बिलो द लॉ, है ना। और ये रूल ऑफ लॉ से, रूल ऑफ क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है डेमोक्रेसी का, है ना। ये क्या करता है, रूल ऑफ लॉ क्या करता है, गवर्नमेंट को टायरिंग होने से बचाता है, मतलब तानाशाह होने से बचाता है, है ना। तो ये भी एक क्राइटेरिया है क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस चेक करने का, कि गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं, है ना, या अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके एक डिसीजन ले रही है। रूल ऑफ लॉ का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द अल्टीमेट लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लॉ ऑफ द लैंड, अल्टीमेट लॉ ऑफ द लैंड। तो रूल ऑफ लॉ क्राइटेरिया भी है चेक करने का गवर्नेंस की क्वालिटी क्या है। फोर्थ जो है हमारा क्राइटेरिया, वो है कंट्रोल ऑफ करप्शन। अगर किसी कंट्रीज में करप्शन बहुत ज्यादा है, है ना, तो वहां क्या होगा, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस खराब होगा, है ना। और उसका जो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स में जो रैंक होगा वो लो होगा, है ना, और उसकी सोवरेन क्रेडिट रेटिंग भी खराब होगी, है ना। तो करप्शन भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है चेक करने का क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को। ओके, नेक्स्ट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से यहाँ दो मीनिंग निकाल सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट स्टेबल है, यानी कि बार बार गवर्नमेंट बदल रही है, 5 साल भी नहीं चल पा रही है गवर्नमेंट, है ना। और दूसरा क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, यानी
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब दो मीनिंग निकाल सकते हैं, एक गवर्नमेंट स्टेबल है, यानी अगर गवर्नमेंट, देखिए किसी भी कंट्री में अगर गवर्नमेंट स्टेबल होती है तो उसका सीधा असर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है। कोई भी इन्वेस्टर चाहेगा कि गवर्नमेंट स्टेबल हो, है ना। अगर पैसा, देखिए हर गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसी होती है और इन्वेस्टर उसी पॉलिसी के आधार पर इन्वेस्ट करता है। तो मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया और गवर्नमेंट ही बदल गई तो पॉलिसी भी बदल जाएगा, तो हो सकता है इन्वेस्टर्स को लॉस हो, है ना। तो इसलिए हर इन्वेस्टर चाहता है कि गवर्नमेंट स्टेबल हो, है ना, उसकी पॉलिसी स्टेबल हो, बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो। आज हमने इन्वेस्ट किया, कल जाके पॉलिसी चेंज कर दिया तो लॉस हो सकता है, तो पॉलिटिकल। और दूसरा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, है ना, वायलेंस ना हो, है ना, इनस्टेबल सिचुएशन ना हो, जहाँ पे जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह पे दंगा ये सारी चीजें जो होती है वो ना हो। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होता है, इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेंडली होता है। इन्वेस्टर चाहते हैं कि वहीं पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, ताकि रूल से काम हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस का, कि वॉइस है कि नहीं। वॉइस का मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच से, जिस कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा होगा उस कंट्री का क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस ज्यादा होगा और उसकी रैंकिंग अच्छी होगी, है ना। एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मींस अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स है या नहीं, यानी अगर गवर्नमेंट कोई गलत कदम उठाती है या कुछ उससे गलती होती है, क्या वो जिम्मेदारी लेता है या नहीं, वो जिम्मेदार होता है कि नहीं, खुद को डराता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी सिटीजन का भी, कि आपको फ्रीडम दिया जा रहा है तो साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी है आपकी, कि उस फ्रीडम को गलत इस्तेमाल ना करें। तो ये दोनों चीजें हैं, गवर्नमेंट की भी अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और क्या है, कंट्रोल ऑफ करप्शन, करप्शन कंट्रोल होना चाहिए। तो दीज आर सम क्राइटेरिया, सेट ऑफ क्राइटेरिया ऑन विच क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इज डिटरमाइंड, है ना। और कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज से, वहाँ के कॉर्पोरेट से, वहाँ के सिटीजन से, और एक्सपर्ट सर्वे के रिपोर्ट्स के आधार पे वो डेटा को एग्रीगेट करते हैं और उस एग्रीगेट डेटा के आधार पे हम क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस निकालते हैं। अब यहाँ पे हम इंडिया की बात करें अगर, तो इंडिया का जो WGI है, यानी वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स का जो स्कोर है, वो बहुत ही नीचे है BBB मीडियन से। अब BBB मीडियन क्या है, ये सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग होता है, BBN, ये मिडिल में आता है, BBN जो है ना मिडिल में रेटिंग आता है, मतलब जो कंट्रीज मिडिल में है सोवरेन क्रेडिट रेटिंग के, उनको ये रेटिंग दिया जाता है BBB। अगर किसी को अच्छा करना है तो ये A हो जाएगा, है ना, जो जिसका सबसे अच्छा होगा उसका A हो जाएगा। ये मिडिल में आते हैं कंट्रीज, मिडिल में आते हैं, मतलब जिनका मिडिल में सोवरेन क्रेडिट रेटिंग होता है, स्कोर होता है, वो उनको क्या दिया जाता है, BBB, है ना। लेकिन अभी देखा गया है कि वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स, अगर हम इंडिया की बात करें, रिसेंटली जो इंडिया की वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर का जो स्कोर है वो BBB मीडियम से काफ़ी नीचे है। इसका मतलब कि मिडिल से भी वो नीचे चला गया इंडिया, है ना। जैसे अगर किसी डेवलप कंट्री की बात करें जहाँ पे सब कुछ अच्छा है तो उनका रेटिंग होगा AAB, है ना, या किसी का बहुत अच्छा है तो AAA हो सकता है, है ना। लेकिन ये इसको मिडिल माना जाता है, BBB को मिडिल माना जाता है, और किसी कंट्रीज के अगर नीचे, इससे भी नीचे जा रहा है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग खराब मानी जाती है। ये मिडिल में, मीडियम है, तो इंडिया का देखा गया है कि मीडियम से भी नीचे जा रहा है ना। जो स्कोर है वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर का इंडिया का, वो BBB मीडियम से भी नीचे जा रहा है ना। और ऑल सिक्स इंडिकेटर, सारे सिक्स इंडिकेटर पे, हर इंडिकेटर्स के लिए अलग स्कोर दिया जाता है। BBB इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, BBB क्या है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है, यानी इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग मतलब सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है एक तरह से, है ना, जो किसके द्वारा दिया जाता है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी लाइक S&P, S&P का नाम सुना है आपने, नहीं सुना है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, है ना, S&P और फिच, ये दो रेटिंग एजेंसी है, ये रेट करते हैं कंट्रीज को कि इनका सोवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या है, और किस आधार पे करते हैं, WGI के स्कोर के आधार पे। तो अभी देखा गया है कि इंडिया का जो स्कोर है WGI स्कोर का, वो BBB से नीचे चला गया है,
यानी अब जो इसको रेटिंग दी जाएगी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग वो बीबीबी से भी नीचे होगा, है ना, क्योंकि इसका स्कोर ही इसी स्कोर के आधार पे ये रेट करते हैं, है ना, इसी स्कोर के आधार पे एसएनपी और फिच क्या करते हैं, रेटिंग देते हैं सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, है ना। तो ये चिंता का विषय है, क्यों विषय है चिंता का, क्योंकि आपने अभी न्यूज में सुना होगा कि सबसे इस साल सबसे अभी तक का सबसे ज्यादा एफडीआई आया है इंडिया के पास, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया को मिला है। अगर ये रेटिंग नीचे जाता है तो क्या होगा, डेप्ट मार्केट क्या होता है, जैसे आपको डेप्ट लेना है या इंडियन गवर्नमेंट को डेप्ट लेना है तो बाहर से कोई इन्वेस्टर डेप्ट देगा नहीं, डेप्ट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। डेप्ट मार्केट एक मार्केट है जो कि शेयर मार्केट का ही पार्ट होता है, तो उसमें बाहर के भी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करते हैं। डेप्ट क्या होता है, जैसे डेप्ट बॉन्ड होता है, बॉन्ड शेयर मार्केट में बिकता है, तो जो जैसे जिन्होंने खरीदा वो पैसा उसमें इन्वेस्ट किए और वो बॉन्ड जिन्होंने बेचा उनको पैसा मिलता है डेप्ट का, है ना। जैसे आपने डेप्ट मार्केट में डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया, यानी आप पैसा दे रहे हैं और जो इंस्ट्रूमेंट वो खरीदेगा उसको वो पैसा मिल जाएगा, समझ रहे हैं। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, शेयर की तरह होता है, है ना, जिसे बॉन्ड भी कहा जाता है, कि आपको बॉन्ड जारी कर रहे हैं यानी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें और वो किसी को मिल रहा है तो उसको पैसा उसको कर्ज चाहिए, तो कर्ज उसने खरीदा तो कर्ज उसे मिल गया, है ना, डेप्ट मिल गया, बाद में वो जब बेचेगा तो कर्ज चुकता है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है डेप्ट मार्केट में। अब क्या होगा कि चूंकि इंडिया का अगर क्रेडिट रेटिंग नीचे चला जाता है तो बाहर के इन्वेस्टर्स डेप्ट मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ये डर रहेगा कि पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा, है ना, गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, सिचुएशन बहुत अलग तरह का है, है ना, और उनकी क्रेडिट रेटिंग नीचे चली गई है। क्रेडिट जैसे बैंक में भी आपका एक क्रेडिट रेटिंग होता है, उस क्रेडिट रेटिंग के आधार पे आपको बैंक लोन देती है, उसी तरह समझिए अगर इंडिया का क्रेडिट रेटिंग नीचे चला जाएगा तो बाहर के इन्वेस्टर डेप्ट मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और डेप्ट मार्केट इन्वेस्ट करके इंडिया या यहाँ के लोगों को डेप्ट मिल जाता है आराम से। जैसे इंडिया को डेप्ट चाहिए तो क्या करेगा, डेप्ट मार्केट में जाएगा, वो उस बॉन्ड को खरीदेगा, और बहुत सारे बाहर के इन्वेस्टर उस बॉन्ड में इन्वेस्ट किए होंगे तभी तो वो बॉन्ड को खरीदेगा। तो अगर रेटिंग अच्छा है तो आसानी से डेप्ट मार्केट में इंडिया को डेप्ट मिल जाएगा या फॉरेन के भी मार्केट में एक्सटर्नल डेप्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर रेटिंग अच्छा नहीं है तो डेप्ट मार्केट में बाहर के लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पैसा अवेलेबल नहीं रहेगा डेप्ट के लिए, है ना, डेप्ट के लिए। तो इसलिए जरूरी है कि हमारा रेटिंग अच्छा हो, ठीक है, तो इसलिए ये चिंता का विषय है। अब यहाँ पे ये इशू है कि ऐसा क्यों हुआ है, ना, ये रेटिंग नीचे क्यों गया है, गवर्नेंस वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर का जो स्कोर है इंडिया का वो नीचे क्यों गया है और जिसके आधार पे इसकी रेटिंग सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग नीचे गई है, BBB BBB के मीडियन यानी मिडिल से भी नीचे चला गया है। तो उसका कारण है, बहुत सारे कारण है, ठीक है, पहला, हाँ, इसके साथ क्या आउटकम है, मतलब ये जो स्कोर नीचे गया है BBB BBB मीडियन के नीचे जो स्कोर गया है WBI का स्कोर, उसका आउटकम क्या है, उसका क्या आउटकम हो सकता है, उसका क्या परिणाम हो सकता है। तो पहला परिणाम हो सकता है वर्सनिंग सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, ये तो समझ में आ रहा है आपको, वर्सनिंग सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग इंडिया का नीचे जाएगा, है ना, इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज डेप्ट मार्केट विल बी रिस्की। इंडिया का जो डेप्ट मार्केट है, बाहर से फॉरनर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं डेप्ट मार्केट में, यानी डेप्ट मार्केट में पैसा अवेलेबल रहता है, इंडिया को जब भी पैसा चाहिए वो डेप्ट बॉन्ड खरीद कर वो पैसा ले सकता है या बॉन्ड इशू करके, इंडिया बॉन्ड इशू कर देगा, है ना। देखिए होता कैसे बताता हूँ मैं सिंपल वे में, जैसे इंडिया को चाहिए डेप्ट यानी कर्ज चाहिए, तो इंडिया ने बॉन्ड इशू किया कि भाई 100 दिन के लिए हमको पैसा चाहिए, 100 दिन के बाद मैं लौटाऊंगा, तो उस बॉन्ड को कोई खरीदेगा, जैसे आप बॉन्ड खरीद रहे हैं या बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स बॉन्ड को खरीद रहे हैं यानी वो पैसा देकर खरीद रहे हैं, तो वो पैसा किसके पास आएगा, इंडिया के पास, 100 दिनों के लिए उसे डेप्ट चाहिए, और फिर वो बैंक बॉन्ड जब रीसेल होता है तो पैसा वापस करेगा कुछ इंटरेस्ट देकर, यही डेप्ट बॉन्ड होता है, डेप्ट बॉन्ड, है ना। तो बाहर से जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कैसे ये होगा, है ना, कैसे वो पैसा अवेलेबल रहेगा, बॉन्ड इंडिया बॉन्ड इशू करता है तो वो कौन खरीदेगा। तो इसलिए जरूरी है कि बाहर के इन्वेस्टर उस बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करें यानी उस बॉन्ड को खरीदें, है ना। तो अगर क्रेडिट रेटिंग नीचे होगा तो इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज डेट मार्केट विल बी रिस्की हो जाएगा, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होगा कि वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, बॉन्ड वो फिर से सेल करेंगे तो पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही जब
देखिए ये क्रेडिट रेटिंग क्या डिसाइड करता है, सोवरेन डेट क्राइसिस को डिसाइड करता है कि कहीं सोवरेन डेट क्राइसिस तो नहीं आ सकता करने में। जैसे अभी श्रीलंका में वो अपना कर्ज चुकाने के उसमें भी नहीं स्थिति में नहीं है, है ना। तो ये रेटिंग के आधार पर इन्वेस्टर्स को पता रहता है कि मैं पैसा लगा रहा हूँ इसमें तो वो रिटर्न में आएगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड इनसाइट टू द इन्वेस्टर्स अबाउट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब जैसे कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है यानी कोई फॉरेनर कंट्री यहां आकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है किस पर्पस से, प्रोडक्शन के पर्पस से, है ना। तो क्या देखेगा, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग देखेगा वो कि कितना अच्छा स्टेबिलिटी है, गवर्नेंस कितना अच्छा है, अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे फायदा होगा या नहीं, पता चला यहां आया और किडनैप हो गया या किसी तरह से कोई घटना हो गई उसके साथ, है ना, प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाया, इनकम उसका नहीं हो पाया, तो ये बहुत जरूरी होता है WGI वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स का स्कोर इन्वेस्टर्स के लिए, वो उसको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इंसाइट देता है, मतलब दर्शन कराता है कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसा है उस कंट्री का। तो ये सारे आउटकम होगा, जो इंडिया का जो रैंक नीचे चला गया है, जो स्कोर नीचे चला गया, उसका ये आउटकम निकल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति क्यों आई, कैसे आई, है ना, किस आधार पे उसके स्कोर्स को कम किया गया। तो पहला है इंसिडेंट विच अफेक्टेड इंडिया WGI रैंक, यानी WGI का जो रैंक है वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स का, उसमें कौन कौन से इंसिडेंट जिम्मेदार है। तो पहला है कश्मीर इशू। आपको पता है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, JNK स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें JNK को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, साथ ही साथ लद्दाख बना यूनियन टेरिटरी। उसके बाद से वहां पे क्या किया गया था, बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, है ना, इंटरनेट को बैन कर दिया गया था, है ना, फ्रीडम हुआ था ना, बहुत सारे लीडर्स को क्या डिटेन कर दिया गया था। तो 2020 में काफी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अटैक हुआ था, है ना। तो कश्मीर इशू में इन 2020 फ्रीडम वॉज कंटेन्ड, और इसी के आधार पे 2022 में जो WGI का जो स्कोर आ रहा है वो कम आ रहा है इंडिया का। तो पहला इंसिडेंट तो यही हुआ कश्मीर इशू में, जहाँ पे फ्रीडम को कंटेन किया गया, है ना। दूसरा क्या, तो दूसरा US डिपार्टमेंट ने ये मेंशन किया है कि देर इज अ हरासमेंट ऑफ एक्टिविस्ट, देर इज अ इंसिडेंट ऑफ हरासमेंट ऑफ एक्टिविस्ट। आपने अभी कुछ दिन पहले एक और मैंने बताया था कोई इंडिकेटर्स, जिसमें बताया था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पढ़ाया था मैंने, इसमें बताया था कि फ्रीडम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक 150 क्यों हो गया है, क्यों नीचे चला गया है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट है, ठीक है, उनके साथ क्या हुआ, उन पर सेडिशन चार्ज लगाया गया है, उन्हें काफ़ी थ्रेट पहुंचाया गया है, है ना। तो यूएस डिपार्टमेंट ने भी ये इंडिकेट किया है, मेंशन किया है कि देयर इज अ हरासमेंट ऑफ एक्टिविस्ट, मतलब जो किसी भी इशू के लिए लड़ते हैं, है ना, एक्टिविस्ट जो होते हैं वो किसी भी इशू के लिए फाइट करते हैं, वो प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं गवर्नमेंट पे, तो उनके साथ हरासमेंट हुआ है, लॉयर के साथ हरासमेंट हुआ है, है ना, सेडिशन चार्ज लगाए गए हैं, है ना, काउंटर टेररिज्म लॉ लगाया गया है बहुत ज्यादा अभी इस टाइम पे। तो यूएस डिपार्टमेंट का ये कहना है कि अभी ये बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे देखे गए हैं जिसमें एक्टिविस्ट को हरास किया गया है, लॉयर्स को हरास किया गया है, सेडिशन चार्ज लगाए गए हैं, काउंटर टेररिज्म लॉ लाया गया है, और इसके आधार पे भी इनका WGI, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बताया कि सारे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री से डेटा कलेक्ट किया जाता है ना, और उस डेटा के आधार पे WGI स्कोर डिसाइड किया जाता है किसी कंट्री का। तो US डिपार्टमेंट ने क्या बोला इंडिया में कि अभी बहुत ऐसा एक्टिविटी आया है, इंसिडेंट आया है हरासमेंट का, सेडिशन का एंड काउंटर टेररिज्म लॉ का। थर्ड क्या है, मिसयूज ऑफ फॉरेन फंडिंग का भी बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है। फॉरेन फंडिंग का मिसयूज कहाँ पे होता है, जनरली जैसे कोई दंगा हो रहा है या फिर किसी चीज को अगेंस्ट करना, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के अगेंस्ट, हाँ, तो वो क्या होता है, फॉरेन फंडिंग का गलत इस्तेमाल होता है ना। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक एंड इंटेलिजेंस यूनिट, ये एक इंटरनेशनल संस्था है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एक इंटरनेशनल संस्था है जो क्या रिलीज करता है, कौन सा डेटा,
कौन सा रिपोर्ट रिलीज करता है? डेमोक्रेसी इंडेक्स, है ना, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज करता है कौन? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। और उसमें इंडिया का रैंक 2014 में कितना था? 27, और 2019 में 51 हो चुका है। इसका मतलब बहुत ही डेमोक्रेसी लेवल पे काफी इसका रैंक खराब हुआ है इंडिया का। इसका मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज का लॉस हुआ है। और इन सारे इंसिडेंट के आधार पे इंडिया का जो WGI स्कोर है वो कम हो गया है ना। और उसका सीधा असर किस पे पड़ा है? पड़ेगा सोवरेन क्रेडिट रेटिंग पे, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है क्योंकि इसे इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा। उसमें एक टर्म आता है एनिमल स्प्रिट, इन्वेस्टमेंट में एक टर्म आता है एनिमल स्प्रिट। एनिमल स्प्रिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा, है ना, कोई इन्वेस्टर्स है वो उसके उसकी इच्छा कितनी है इन्वेस्टमेंट करने की, उसको कहा जाता है एनिमल स्प्रिट, है ना। तो एनिमल स्प्रिट कमेगा, ये सोवरेन अगर क्रेडिट रेटिंग कम होता है इंडिया का, तो उससे क्या होगा? उनका एनिमल स्प्रिट यानी इन्वेस्टमेंट करने की जो इच्छा है वो कम हो जाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके।